साथियों, आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में सदन में जो चर्चा हुई उसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। देखिए, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी जो है एकदम एक बुखार की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत से लोग जो थे सोच रहे थे कि क्रिप्टो जो है बैन हो सकता है इंडिया में, लेकिन इसको लेकर स्थिति क्लियर हो चुकी है। और इन्होंने जो कहा है आज की चर्चा में कि इसका कोई भी एक मालिक नहीं है जिसको हम बैन कर सकें, जिसकी पॉलिसी को हम बैन कर सकें, तो इसको बैन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसको लेकर इन्होंने स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है कि इसको बैन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये वीडियो है थोड़ा सा, ये देखें, एक चर्चा का हिस्सा है ये देखिए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस देश में अभी एक्टिविटी चल रही है क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में मैं सदन का ध्यान और इस देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, ये उसी तरह की स्थिति है जैसे कि ट्यूलिप मैनिया इस दुनिया में हुआ था 1600 में हॉलैंड में, उसी तरह से ये देश अभी क्रिप्टो मैनिया में ग्रसित है। सभी डार्क नेट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नेट की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं। 2013-14 से सर सदन में नहीं है हमारे मित्र शिव कुमार उदासी, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इसको बंद होना चाहिए, डार्क नेट की टेक्नोलॉजी है और ये केवल ड्रग्स के लिए, ये केवल प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ये केवल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, आर्म्स के लिए इसका उपयोग होगा और पूरी दुनिया इससे परेशान है। आरबीआई लगातार ये बात कह रही है सर कि इसको कंप्लीट बैन करना चाहिए। कोई लोग एसेट की बात करते हैं, कोई नेट की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं सर जी कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई मालिक नहीं, और यदि जिसका कोई मालिक नहीं होगा तो उसकी एक्टिविटी आप कैसे कंट्रोल करेंगे। और पूरी दुनिया में जो समस्या पैदा होने वाली है कि पूरा का पूरा आरबीआई, क्योंकि आरबीआई दो ही काम करती है सर, केवल आधा 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 सेकंड में मैं खत्म करूंगा सर, आरबीआई दो ही काम करती है सभापति महोदय, वो या तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है या करेंसी मैनेजमेंट करती है, और यदि करेंसी मैनेजमेंट अपने हाथ, धन्यवाद।